क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन, इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। यही पढ़ाई कर रहे थे ना? चलिए ध्यान से देखिएगा, यही पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, बातचीत नहीं करेंगे। अब फ़ोन पे वाले पढ़ने वाले लड़के, अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए मेरा, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगी। पूछे तो कहाँ पे थे हम लोग? टेलीग्राम है मेरा, एमएस मैथमेटिक्स दल सिंह सराय। कौन सा टाइप देख रहे थे हम लोग? टाइप सातवा। कल हम लोग क्या किए थे? टेस्ट वाली क्वेश्चंस का डिस्कशन किए थे और उसके बारे में हम आगे कुछ नहीं पढ़ पाए थे। चलिए सातवा टाइप्स कुछ काम कर रहे थे। बोलिए तो कितने नंबर? कुल पांच सवाल ही था, तो एक विद्यार्थी का सवाल है क्वेश्चन नंबर पांच, बाकी चार हो गए ना हो, क्योंकि हम ही सॉल्व करवा दिए थे। आइए सुनते हैं। करे रूट अंडर वन प्लस टू टेन ब्रैकेट टेन एक्स प्लस सेक एक्स। बुआ ध्यान यहां होना चाहिए सबका, कोई बातचीत नहीं करोगे डिस्टर्बेंस होगी, थोड़ा सोचना स्टार्ट कीजिए। क्या है रूट? ना हो रूट है ना, रूट है अंदर वाले को देखिए। रूट से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? रूट से बाहर निकलने कुछ तो लोचा होना चाहिए ना। एक काम करिए, थोड़ा सा ब्रैकेट तोड़िएगा क्या? चलिए एक लड़का बोल रहा है कि तोड़ दीजिए इसको। तो ये है वन अ प्लस, ये कितना हो जाएगा? टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स, ये है ना। और सोचिए तो क्या कोई फॉर्मूला सेट हो रही है ना? ओ बढ़िया, ये वन है ना, एक फॉर्मूला हम लोग ने टेंथ वाली याद है का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। मगर इसके जगह पर हम एक रख सकते हैं, तो एक के जगह पर ये रख सकते हैं ना, आप वो रख लो। एक के जगह पर कितना रखोगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये एक के स्थान पर रखे। अब प्लस टू टेन इनवर्स टू टेन स्क्वायर एक्स, अब प्लस में क्या है? टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ध्यान से यहां देखिएगा, अब कुछ और होगी का? ओहो, थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद ये सब रूट के अंदर हो रही है। थोड़ा सा अगर सेक स्क्वायर एक्स तो है ही आपके पास बचा हुआ, दो टेन में से एक टेन जो है घटेगा, तो एक टेन बचेगा ना, प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब प्लस हो जाएगी टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स। और ये जो अंदर में टोटल दिख रही है, ये आपको नहीं लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है? तो इसमें ए क्या होगा? सेक एक्स, अब प्लस बी होगा, और इसी का ना होल स्क्वायर है, इसी का ना होल स्क्वायर है। अब रूट है तो स्क्वायर गायब हो जाएगी, तो कितना बचेगा? सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान यहां होना चाहिए। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो सेक एक्स का, सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अब प्लस टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, अब प्लस सी। आप ये भी छोड़ सकते हो, नहीं तो लॉग में अगर प्लस है तो इंटू में कर सकते हो, नहीं हो जाएगा? हो लॉग में अगर प्लस है तो इंटू में नहीं हो सकता हो? देखो ये इसका लॉग के अंदर है, ये इसका लॉग के अंदर है, तो क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स अब प्लस सी। समझ रहे हो? ये रहा आपका प्रश्न नंबर पाँच, जिसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से खाली कीजिए, घर जाके ये पांचों प्रैक्टिस कर लीजिए, वन टू थ्री फाइव टोटल, समझ रहे ना? इसमें टोटल क्वेश्चंस कितना होगा? पांच है, प्रैक्टिस करिए, जल्दी खाली कीजिए। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर तीन में जिनका प्रॉब्लम है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन क्या है? साइन एक्स माइनस अल्फा, और नीचे क्या है? साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे x माइनस अल्फा, नीचे में x प्लस अल्फा, कट तो नहीं सकती है, आप इसको थोड़ा छेड़छाड़ कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बुआ, ये साइन है ना। देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ये अल्फा माइनस में ना है,
इसको आप ये लिख सकते हो, थोड़ा सोचिए तो सही लिखे। माइनस अल्फा को हम अल्फा माइनस टू अल्फा लिख सकते हैं, मतलब अल्फा में से टू अल्फा घटाते फिर भी माइनस अल्फा नहीं बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा। ऐसा इसी लिखिए क्योंकि यहाँ पे हमको ये आ गई। अब देखिएगा ये काम कर रहा है किसका, एक्स का, और ये काम कर रहा है वाई का। अब ऊपर वाला फार्मूला सेट हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, नहीं समझ रहे हो ना, तो साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, इसका होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यही ना, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यही ना। अब बट्टा में जो है आप उसे आराम से नोट कर सकते हो, साइन एक्स प्लस अल्फा और इंटू डी एक्स। जिनका प्रॉब्लम है बड़ी ध्यान से देखिएगा, डाउट्स हो सकती है आपकी। अब क्या अलग कर सकते बुआ, जैसे अलग करोगे तो बताओ क्या होगा, जब ये बटा ये अलग होगा कॉस अल्फा, ये तो कॉन्स्टेंट है, खिंचा जाएगा बचेगा कितना, और ये आपको नहीं लग रहा ये कट जाएगी, है ना। तो थोड़ा देखिएगा क्या आपको समझ में आ गई क्या, कैसे, क्योंकि जब इसको इसको अलग किए तो ये कट गई, बचा कौन कॉस टू अल्फा, ये कॉन्स्टेंट है अल्फा वाला कॉन्स्टेंट है ना, तो कॉमन ले लेते एक ही ना, बचा बचा बीच में क्या माइनस। अब बताओ यहाँ पे जब ये बटा ये करेंगे तो कॉस बटा साइन क्या बचेगा कॉट, और ट्वेल्थ लेकिन साइन टू अल्फा कॉमन लेने के बाद कॉट एक्स प्लस अल्फा। अब बताओ इसका भी इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका भी पता है, आराम से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन टू अल्फा, सॉरी कॉस टू अल्फा, और ये एक का इंटीग्रेशन कितना एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आपको हो रही है एक्स माइनस साइन टू अल्फा, और इसका कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, लॉग साइन और एक्स के जगह पे वही प्लस सी। थोड़ा सा सुंदर कर लीजिए, एक्स को पहले लिखे एक्स इंटू कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा इंटू लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा। जिनका प्रॉब्लम है आप वो देख सकते हो, ये रहा आपका सवाल नंबर तीसरा, हो जाएगी जल्दी से खाली कीजिए, तो और किसी को प्रॉब्लम हो सकती है जल्दी।